अब जब आप घर से आए तो आपने सोचा था कि मैं इस पति को लूटूंगा इस बार? बिल्कुल सोचा था। कैसी फीलिंग आ रही है आपको इस बार? तो दोस्तों हमारे साथ है राज का लाडला, जो कि राज का नाम बहुत फेमस किया है इन्होंने। भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया, दिल खुश हो गया। लग नहीं रहा आज आप मेले में गए थे, कैसा लगा आपको मेला? बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया। जय श्री राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अभी मैं हूँ पैठाणी में, और आज मैं जा रहा हूँ तासपानी खंड गांव में, जो पैठाणी से नजदीक गांव है। वहां पर मेले का आयोजन हो रहा है जिसे हम पत्ती का मेला कहते हैं। और ये पत्ती का मेला, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी आपको। जैसे जैसे आप ब्लॉग देखते रहेंगे तो आपको मैं दिखाता रहूँगा किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम सा रहता है। और 10 से 15 हज़ार के बीच लोग मिलेंगे आपको, और दूर दूर गाँव से ये पट्टी कंडारसियों में ये मेला है। और आपको बाली कंडारसियों और चौथान से भी लोग देखने को मिलेंगे। और आपको श्योली खंड से लेके त्रिपाली सैन से लेके पावो तक के लोग यहाँ पे आपको देखने के साथ। और अगर अभी भी आपने पैठाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार पैठाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम पहुँच गए हैं पैठाणी बाजार में, और ये देख सकते हो आप भीड़, धीरे धीरे भीड़ जुटना शुरू हो गई है। तो कुछ इस प्रकार है अभी, अभी टाइम 11 बज रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा भीड़। ये लहराते खेत ये बड़े लाग मिट्टी ले यार। अच्छा मी घरे का खोल ना। हाँ। तो दोस्तों बस हम पहुंचने वाले हैं, और ये देख सकते हो आप आवाज। तो बस हम पहुंच गए हैं, और यहीं पर पूजा हो रही है, और ये देख सकते हो आप भीड़ ऊपर। कुछ इस प्रकार दिखता है खंड गांव, ये तासपानी है। जय माँ नंदा देवी। और हम पहुंच गए हैं तासपानी में, और मेरे पीछे देख सकते हो आप किस प्रकार हरियाली है। और मैं आपको कैमरामैन महावीर को बोलना चाहूँगा कि देखिए महावीर, ये दिखाने की कोशिश करिए लोगों को किस प्रकार भीड़ जुटना शुरू हुई है, और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे होगा पत्ती का विशाल मेला, और यहाँ पे आज 10 से 15 हज़ार लोग इस मेले में पहुँचने वाले हैं। और ये हरियाली है, देखो किस प्रकार हरियाली है। और एक कोटी पाटली गांव है ये वाला, और ये वाली रूट जाता है कोटी पाटली के लिए। तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो आप पार्किंग बनी है नई पैठाणी में, और ये है मार्केट की पार्किंग। गुरु राम राय पब्लिक स्कूल सबसे बड़ी बिल्डिंग है पैठाणी में। ये लोग चुनना शुरू हो गए हैं। भीड़ है, 10 से 15 हज़ार लोग इस मेले में पहुंच चुके हैं। और ये देख रहे हो आप किस प्रकार मक्का और खीरे को फेंका जा रहा है, और इसी प्रकार यहाँ पे मेला होता है। पकड़ने कैच पकड़े वो पकड़ने कैच देख सकते हो आप।
अरे दोस्तों किस प्रकार भीड़ देख रहे हो आप, दूर दूर तक बहुत ही विशाल भीड़ इस मेले को देखने के लिए। पत्ती का मेला पूरे राज क्षेत्र में सबसे फेमस मेला है पत्ती का, और कुछ इस प्रकार होता है मेला। हुजूम सा लगा है लोगों का यहाँ पर, एक दिन के लिए लोग कितने दूर दूर से आते हैं इस मेले को देखने के लिए स्पेशली। देखो दोस्तों ये भीड़ देख रहा हूँ, और यहाँ से कुछ इस प्रकार दिखता है पैठानी। ये देख रहो येल्लो वाली बिल्डिंग गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, और ये पैठानी पैठानी गांव इस कुछ इस प्रकार दिखता है यहाँ से। देखो बहुत ही बड़ा गांव है पैठानी, और ये वाला रूट येलो रूट चला जाता है आपका तिरपाली सैंड के लिए, ऊपर वाली जो गाड़ी दिख रही है आपको, और नीचे वाला रूट सिरतोली पड़े थी। और ये टावर जियो का टावर है, I'm going to go to the hospital.
ये है प्रफुल्ल के पवन, पूरा सफर तय करना इनको। दोस्तों यहाँ पे कुछ लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया यहाँ पे। ये देखो ये यहाँ तक पहुँच गया है लड़का, इसको इतना सफर तय करना है। भाई फिर वापस आ गया, थक गया था भाई, यहाँ पर जल्दी थक जाता आदमी। और इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल है ये पत्ती लूटना, ये बच्चों का खेल नहीं है। देखो किस तरह से मारामारी हो रही है, कह रहा मैं चढ़ूंगा, दूसरा कह रहा मैं चढ़ूंगा। देखते हैं कि आज ये पत्ती लूटते कि नहीं, और उनके साथ झोंकू खड़ा है उठता हूँ। धुरंधर मिलेंगे आपको, ये देखो हर्षू जो इसमें माहिर है, ये आप ग्रीन टी शर्ट में देख रहे हो, ये विकास, और ये हरेंद्र ने अपनी ये है उत्तम, जप के नाम से विख्यात है। इसको सपोर्ट कर रहा, देखो ये होती है एकता। ये हमारे चंद्री भाई हैं, पैठाणी के रहने वाले। गांव के हर्षु भाई जिन्होंने दो बार पत्ती लूटी थी 2017 में, और इस बार भी उम्मीद है कि पत्ती लूटेंगे ग्रीन टी शर्ट में हर्षु भाई।
ये हमारे हर्षु भाई, ये बड़े खिलाड़ी हैं हर्षु भाई, देखते हैं आज इस बार पट्टी लूटते कि नहीं लूटते हैं। हर्षु भाई तो धीरे धीरे हर्षु भाई, बहुत बढ़िया हर्षु भाई, बहुत बढ़िया हर्षु भाई, बहुत बढ़िया। लूटने वाली है और सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं और बस अब फाइनल दोस्तों इसने पट्टी लूट समझ लो, चार रस्सी देख, रस्सी दे देते हैं। और इसी के साथ लग रहा मुझे कि कठोला वाला यहाँ पे बस जीतने वाला है, पट्टी को लूटने वाला है। बंदे केले खुद खा रहा है और खीरा नीचे फेंक रहा, ककड़ी को नीचे फेंक रहा छिलके नीचे। शाबाश पंकज ने की रोकड़ा। अच्छा तो जिसने पत्ती आज का विजेता है जो पंकज ने की रोकड़ा के रहने वाले हैं, और है वो ऊपर, ये ऊपर है जो पंकज, पंकज देख ले पैठानी, पैठानी ठीक ठीक भाई जी। और ये स्टार पंकज, रोकड़ा यार मम गोड़ जगह
अंकल क्या कहना चाहोगे आप? जब आप घर से आए तो आपने सोचा था कि मैं इस पत्ती को लूटूंगा इस बार? बिल्कुल सोचा था। कैसी फीलिंग आ रही है आपको इस बार? क्या कहना चाहोगे आप? कितना डिफिकल्ट था ये? ग्राम सभा कौन है? ग्राम सभा क्या नाम है ग्राम सभा का? गांव का नाम बिल्कुल फील हो रहा है। अपने गांव का नाम रोशन कर। बिल्कुल 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 हर किसी की पक्ष की बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत कड़ी मेहनत और बिल्कुल इस बंदे को क्रेडिट जाता है जिसने इस बार पत्ती लूटी है। अभी टेंथ क्लास में पढ़ते हैं। मैंने सुना था किसान नाइन्थ टेंथ में ना पंकज नेगी। पंकज नेगी नाम क्या है? जिंदाबाद। देवेश नेगी। बहुत बड़ी बात है। जज बचिए शरीर में तब जाके आदमी मंजिल पार कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा भाई है पंकज सिंह। पंकज और जश्न मना रहे हो अपने गांव के रोखड़ा ग्राम पंचायत। दोस्तों हमारे साथ है राठ का लाडला जो कि राठ का नाम बहुत फेमस किया है इन्होंने और आजकल ये चार पांच दिन से इनकी वीडियो वायरल हो रही है यहाँ पे क्योंकि ये खंडगांव में रह रहे हैं और सुबह शाम वीडियो बना रहे हैं और फेसबुक में यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो बनाई इन्होंने और बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल। बहुत अच्छा लग रहा है राठ का लाडला यहाँ पे आए हैं और मैंने इनकी सबसे पहली वीडियो जब पैठाणी में अतिक्रमण हुआ था उस समय देखी थी और इनके मेरे से ज्यादा व्यूज थे और मेरे भी सबसे वायरल वीडियो वही है जो पैठाणी में अतिक्रमण की मार झेला था जब। तो आज बहुत अच्छा लगा राठ के लाडले को फिर से मिलने के बाद अच्छा लगा और इस तरह से यहाँ पे राठ क्षेत्र में जो पत्ती का मेला होता है बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है और लाडला बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपनी टी शर्ट इनका एक है कि अपनी टी शर्ट पहन के रखते हैं लोगों को देखने का मौका मिले ताकि इससे क्या होता है कि लोगों को अपने आप ही ऑटोमेटिक बिल्कुल 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 तो कोई
बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई के जितने भी सब्सक्राइबर है ना, माँ नंदा का आशीर्वाद आप सब पर, आपके परिवार पर, और कीप सपोर्टिंग राठ का लाडला और भैजी को चैनल को। तो बाय, इनको इनके चैनल को भी सपोर्ट करिए, राठ का लाडला के नाम से बहुत फेमस है। दोस्तों अब जैसे पति नीचे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और पति लूट ली गई है पंकज के द्वारा, आपने देखा होगा। बस अब दोस्तों हम आए सुमन भाई की दुकान में और उनकी वाइफ बैठी है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। अच्छा नमस्कार जी। नमस्ते। आज आप मेले में गए थे, कैसा लगा आपको मेला? बहुत बढ़िया लगा भाई। बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या क्या देखा आपने वहाँ पर, और मतलब कितनी बार गए हैं अभी? दूसरी बार? पहली बार कहाँ गए थे आप? पहली बार चाहता। अच्छा 2012-13 की बात है। अच्छा तो इस बार अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगी। अच्छा चली सा 12 बजे। अच्छा अभी होना 5 बजे। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा और जेल लूटी तो वो लड़का नौ पता चाहते हैं? नौ तो ज्यादा पता नहीं, थोड़ा भूल गया। वही लड़का नौ चाह पंकज ने की 10th क्लास में पढ़ तू रोखड़ा चू। अच्छा ठीक, बहुत बहुत बधाई। और एक की 100 रुपए मिलनी हुए थे। बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ। हाँ वो लड़का भी दिखने वाले ब्लॉग हिमालय फोटो स्टूडियो के नाम से बहुत फेमस है ये राठ क्षेत्र में और पैठाणी में ये दुकान है। आपको सबको पता होगा, वैसे सुमन भाई को तो सब जानते हैं और आपको भी सब जानते हैं। नहीं नहीं जानते हैं आपको। और बने रहिए आप पैठाणी यूट्यूब चैनल के साथ।